चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। गुड टच बैड टच जैसी बातों को अब एक रोबोट डॉल अनोखे तरीके से स्कूली बच्चों को सिखा रही है। दरअसल मंडला पुलिस के एक अधिकारी योगेश राजपूत ने एक रोबोट डॉल बनाई है जो बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बता रही है। बच्चे जब डॉल को छूते हैं फिर डॉल उन्हें बताती है कि ये टच गुड है या फिर बैड है, और इस अनूठे प्रयोग से स्कूली बच्चे उत्साहित होकर डॉल के माध्यम से गुड टच और बैड टच सीख रहे हैं। बच्चों में डॉल के प्रति भारी उत्साह है और शिक्षक भी इस प्रयोग की काफी सराहना कर रहे हैं। तो देखिए ये रोबोट डॉल है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, इसको शरीर में अलग अलग जगहों पर जब टच किया जाता है, छुआ जाता है, तो ये रोबोट डॉल बताती है कि ये टच गुड है या फिर बैड है। देखो आपने भी क्या देखा, लिप्स करो। इसमें हम बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मैंने एक प्रयास किया है रोबोट डॉल के माध्यम से, क्योंकि बच्चों को डॉल और रोबोट पसंद आते हैं कि बच्चे उसको देखकर अच्छे से सीखते हैं। तो मैंने एक डॉल बनाई है जो कि गुड टच और बैड टच के बारे में बताती है। बच्चे टच करते हैं उसे तो वो ये बताती है कि स्थान गुड टच या बैड टच, जिसके कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं और इसका हमें अच्छा प्रसाद मिल रहा है। हम पूरे जिले भर में इसके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करेंगे। बिल्कुल लोकल के सामान और कुछ गैजेट्स यूज़ करके ये मैंने डॉल बनाई है, जो कि इसमें और भी हम और भी बच्चे जिस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे हम और इसमें डेवलपमेंट करेंगे, जिससे कि बच्चे और आकर्षक हो। आज हमने डॉल से यह सीखा कि गुड टच और बैड टच कहाँ होता है। आज आपने क्या सीखा डॉल से? आज हमने डॉल से गुड टच बैड टच सीखा जो हमें समझ में आया। तो इस अद्भुत नए प्रयोग की स्कूली शिक्षक भी काफ़ी सराहना कर रहे हैं कि इसकी मदद से अब छोटे छोटे बच्चों को भी उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार को लेकर जानकारी मिलेगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन राय जुड़ रहे हैं। पवन, यह अनोखी रोबोट डॉल चर्चा का विषय बनी हुई है और इससे छोटे बच्चों को ये सीखने में काफी मदद मिलेगी कि कोई उनको बुरी तरह से छू रहा है या फिर वो टच गुड है। बताइए किस तरीके का माहौल है वहां पर और इस डॉल को क्या सभी स्कूलों में लगाया जाएगा, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? जी मैं बताना जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों पे बढ़ रहे अत्याचार को लेकर, बढ़ रहे अपराध को लेकर मंडला प्रशासन के एक सूबेदार योगेश राजपूत जी ने एक अनोखी डॉल रोबोट का निर्माण किया है जो बच्चों को गुड टच और बैड टच के विषय में बतलाती सिखलाती है। आज हम बात करेंगे सूबेदार जी से कि इन्होंने इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और पहले भी ये रोबोट ट्रैफिक रोबोट बना चुके हैं, इस रोबोट का उनका उद्देश्य बनाने का उद्देश्य क्या था? धन्यवाद। पुलिस के द्वारा और अन्य विभागों द्वारा लगातार प्रदेश में अभियान चलाए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर, तो पुलिस भी इसमें काम कर रही है और अन्य विभाग भी काम कर रहे हैं। इसके पहले पूर्व मैंने एक रोबोट बनाया था जो ट्रैफिक सिग्नल रोबोट था स्थानीय संसाधनों से, उसको हमने स्कूलों में ग्रामीण अंचलों में, जैसे मंडला जिला जो है वो ग्रामीण अंचल क्षेत्र ज्यादा है, तो हम लोग दूरस्थ स्थित जो स्कूल है वहां जाकर हम लोग उसका प्रचार प्रसार किया, तो बहुत अच्छा प्रसाद आया। अब हम लोग जब बार बार स्कूल जाते हैं, हालांकि बच्चों को पहले सिखाया जाता है, लेकिन मैंने ये पाया कि बच्चे जब कोई इंटरेस्टिंग चीज होती है, बच्चों को जब जो चीज आकर्षित लगती है, जैसे कि रोबोट हुआ, डॉल हुई, तो इससे बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। अभी हमने इसमें मैंने जो स्थानीय चीजों को लेकर इसको बनाया है, कुछ गैजेट्स हैं, कुछ बटन है और ये टॉय है, तो अभी हम जब स्कूल जा रहे हैं तो बच्चों का, छोटे बच्चों का बहुत अच्छा हमें प्रसाद मिल रहा है, उसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं बच्चे, इसको सीखने में बहुत आसानी हो रही है और यही उद्देश्य है कि बच्चे अच्छे से सीखें, तो हमें ज्यादा मदद मिल रही है हमारे अभियान को और बच्चों को सिखाने के लिए। इस अवेयरनेस को लेकर बच्चों में कितना उत्साह, जैसे कि आपने देखा भी कि बच्चे आते हैं डॉल को देखकर जिज्ञासा वश उसको देखते हैं, एक तो डॉल है, डॉल ऑलरेडी बच्चों के लिए लड़कियों के लिए पूछेगा रोबोटिक क्या इस डॉल को हर स्कूल में जाकर इंस्टॉल करवाया जाएगा, क्या कोई सरकारी मदद मिली है इसमें, आगे का कोई इनका क्या प्लान है?
इस बच्चों को डॉल को लेकर हर स्कूलों में मंडला जिले के सभी स्कूलों में लेके जाया जाएगा क्या, और इसको बनाने में क्या सरकारी मदद आपको मिली है? बिल्कुल, हम इसे जहां तक जितने स्कूल तक जा सकते हैं वहां तक जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि खासतौर पर छोटे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उन लोगों को सिखाने में बहुत मददगार साबित हो रही है और मददगार साबित होगी भी, क्योंकि बड़े बच्चों को तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, टीचर्स भी बताते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो प्राइमरी के हैं जितने भी स्कूल से चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट स्कूल है, हम सभी स्कूल में जाएंगे और जो हमारे मध्य प्रदेश के जो अभियान चल रहे हैं महिला सुरक्षा बालिका सुरक्षा को लेकर अपराजिता और मुस्कान, उसके तहत और आगे भी हम लगातार को लेकर प्रचार प्रसार करते हैं। पवन, कुछ इस तरीके के अनूठे प्रयोग होते हैं उनको सरकार अपने अधिग्रहण में ले लेती है, कमीशन कर दिए जाते हैं, कि क्या सरकार को ये रोबोट डॉल जो है ये कमीशन की जा सकती है वहां पर? क्योंकि अगर इसको हर स्कूल में लगा दिया जाए, पूरे सूबे के स्कूल में लगा दिया जाए, तो चाइल्ड क्राइम्स में बहुत ज्यादा कमी आ सकती है। ऐसे ही रोबोट और ही बना के हर स्कूलों में लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, अगर टीचर्स उसको देख लें, इसमें ऐसा कोई ज्यादा टेक्निकल या बहुत एआई टेक्निक नहीं है, सिंपल रिकॉर्डिंग बटन और जो सिंपल हमारे जो हेडफोन होते हैं उसका यूज हुआ है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, स्कूल के टीचर्स भी कर सकते हैं, बच्चे खुद भी कर सकते हैं, साइंस प्रोजेक्ट में भी यूज किया जा सकता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया भवन आपका इस महत्वपूर्ण चर्चा को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये अनोखी डॉल बनाई गई है और इस नए प्रयोग को लेकर काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी जो हैं वो उत्साहित हैं, किसके माध्यम से, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको कोई कैसे टच कर रहा है इसको लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं होती, और चाइल्ड क्राइम्स इस तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं, बच्चों का शोषण होता है, तो ये रोबोट डॉल बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकती है बच्चों को ये बताने में, और इस अनूठे ढंग से बहुत रुचिकर अंदाज में छोटे छोटे बच्चे अपने साथ होने वाले टच को लेकर, कि वो छेड़छाड़ है या फिर कोई प्यार से उन्हें दुलार रहा है, इसमें कई बार लोगों को समझ में नहीं आ पाता है, बच्चे उनके पास जाके शिकायत भी करते हैं अपने माता पिता से, लेकिन माता पिता भी उस चीज़ को लेकर नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इस अनूठे प्रयोग के माध्यम से बहुत हद तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और आने वाले वक्त में चाइल्ड क्राइम्स को लेकर जो ग्राफ लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है वो कम होगा, बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं उनमें कमी आएगी। और इसी को लेकर ये पुलिसकर्मी है योगेश राजपूत, इन्होंने ये अनूठा प्रयोग किया है। आज आपने क्या सीखा डॉल से? आज हमने डॉल से गुड टच बैड टच सीखा जो हमें समझ में आया। आज हमने डॉल से यह सीखा कि गुड टच और बैड टच कहाँ होता है। आज आपने क्या सीखा डॉल से? आज हमने डॉल से गुड टच बैड टच सीखा जो हमें समझ में आया। देखो आपने भी क्या देखा, लिप्स, अगर कोई हमें लिप्स में छूता है कोई, तो ये बैड टच है। उसके बाद आपने देखा इसने बच्ची ने चेस्ट में कुछ किया, अगर यहां पे कोई छूता है चाहे लड़का और लड़की, ये भी बैड टच है। ठीक है, भर में आ रही बस सुना आपने, फिर से हाथ छोड़ो, अब फिर से मिलाओ। थैंक यू सुना आपने।
तो एक बार फिर से हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन बताइए, अब आपके साथ कौन है, किससे क्या आप बात करने जा रहे हैं? अभी हम खड़े हैं महर्षि विद्या मंदिर स्कूल पे, हमारे साथ में प्राचार्य डॉक्टर उपेंद्र शुक्ला जी खड़े हुए हैं। इनसे जानना चाहेंगे हम कि गुड टच बैड टच जो रोबोट मंडला जिले के सूबेदार योगेश राजपूत जी ने बनाया है, इस रोबोट को लेकर बच्चों में कितना उत्साह है? धन्यवाद जी, आपका महर्षि विद्या मंदिर में स्वागत है। जैसा कि आपने बताया, श्रीमान योगेश राजपूत जी जो सूबेदार है और इस तरीके के पुलिस विभाग में इनोवेशन करते रहते हैं, इन्होंने पिछले समय एक ट्रैफिक रोबोट भी बनाया था जो काफी कारगर हुआ था और प्रशंसा उसने बटोरी थी। उसी तरीके से इन्होंने एक बच्चों की सुरक्षा के लिए गुड टच और बैड टच के लिए एक डॉल के रूप में एक रोबोट बनाया है जो बॉडी पार्ट में इस जगह टच करने पर गुड टच माना जाए, इस जगह टच करने पर बैड टच माना जाए। कई बार बच्चे संकोच में कह नहीं पाते हैं, उसको जागरूक करने की दिशा में ये बहुत अच्छी चीज इन्होंने बनाई है। निश्चित तौर पर प्रशंसा के पास। कितना असर पड़ेगा बच्चों में इसका? बच्चों में निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। छोटे बच्चे फर्स्ट से लेके सिक्स सेवन तक के बच्चे इनोसेंट होते हैं और उन्हें बहुत सारी चीजें ऐसी गतिविधियां ना वो जान पाते हैं ना समझ पाते हैं और उनकी इसी अनभिज्ञता का फायदा जो जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अपराधी है, उनको मानसिक अपराधी प्रवृत्ति है, तो इस तरीके के बच्चों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे इसको जाने समझे और तुरंत विरोध करें। इस मंशा को लेकर यह रोबोट तैयार किया। गुड टच बैड टच को लेकर हम कुछ बच्चों से भी इंसर्ट जानना चाहेंगे, बच्चे इसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे? आई कौन जी? हाँ बेटा, ये एक रोबोट डॉल है, इसने हमें बहुत अच्छे से गुड टच और बैड टच सिखाई है। थैंक यू। और आप क्या बोलना चाहेंगे बेटा? गुड टच बैड टच हर बच्चे को पता होना चाहिए। आपने क्या सीखा है इससे आज बच्चों की डॉल से? क्या पता, हम लोग को पता होना चाहिए गुड टच क्या होता है बैड। आज हमने देखा कि गुड टच बैड टच रोबोट के द्वारा बच्चों को समझाया गया इस स्कूल में, महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में इसका डेमो क्लास किया गया राजपूत जी के द्वारा। और कहां कहां आज इस स्कूलों में डेमो क्लास चलेगी? हम लोग प्रतिदिन, अभी पहले मुख्यालय के जो स्कूल है वहां पर खासतौर प्राइमरी स्कूल जो है उनमें जाकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे साथ साथ और दूसरे विभाग भी हैं जो परिजन अभियान के तहत प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम लोग सही रूप से कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज हमने इस स्कूल में, अब हम अगले स्कूल में संपर्क करेंगे जो भी प्राइमरी स्कूल है और वहां जाकर उनको एक समय लेकर जिसकी को पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो उस समय जाकर ये प्रोग्राम लगातार करते हैं। ऐसा पुलिस अधीक्षक महोदय का इसको लेकर क्या कहें? बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारा अभियान चल रहा है, पुलिस भी उसमें काम कर रही है, महिला सुरक्षा को लेकर और अपराजिता अभियान और कान अभियान के तहत हम बालिकाओं महिलाओं संबंधी अपराधों के विषय में लोगों को बताते हैं कि अपराध कैसे होते हैं, कैसे रोकना है, कैसे बचना है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं। श्रीमान पुलिस महोदय के द्वारा से बहुत सराहना दी गई और कहा गया कि इसको लगातार हम इसके माध्यम से और अन्य जो हमारे पुलिस साथी हैं उनके साथ जाकर हम पूरे स्कूलों में, बल्कि स्कूलों के साथ साथ हम इन्हें बाजार मेलों में और ऐसे स्थान जहाँ गैदरिंग होती है हम हर जगह ले जाकर इसका उपयोग करेंगे, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। चलिए ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए और इस अद्भुत डॉल के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए।